सीहोर व्हाट्सएप पर भेजा। वो पत्र सीहोर व्हाट्सएप से यहाँ आशीष जी के पास में भेजा गया। हमने जो हमारे आशीष जी हैं उनके पास वो पत्र को जब पढ़ा तो उसमें बड़ा सुंदर बात लिखी थी, उसको जरा जिंदगी में उतारिएगा कि मेरा शिव, मेरा कुबेरेश्वर महादेव, मेरा महाकाल, मेरा ओमकारेश्वर, मेरी जालपा महारानी, मेरा राम, मेरा कृष्ण तुम्हारा कैसे साथ देता है। उस पत्र में प्रमीला साहू बिलासपुर से हैं, आवासीय नगर के रहने वाली हैं, जिन्होंने वो पत्र लिखकर भेजा। उन्होंने लिखकर भेजा, गुरुजी मैं अपनी सारे परिवार सहेली के साथ में कुबेरेश्वर धाम कावड़ चढ़ाने के लिए आई। अब कुबेरेश्वर धाम जब कावड़ चढ़ाने के लिए मैं जब पहुंची, तो कुबेरेश्वर धाम जब कावड़ के लिए हम पहुंचे तो बहुत भीड़ थी। हम भी कावड़ लेकर चले और जाकर जब हमने कुबेरेश्वर धाम पर कार्यकर्ता चारों तरफ लगे थे कंकर शंकर के, उनको हमें जल नहीं चढ़ाते हुए हमने कावड़ उनको दी। उन्होंने दोनों लोटे का जल, दोनों पात्र का जल, दोनों लोटे का जल शिव जी पे चढ़ा दिया और हमारा लोटा हमको खाली कर दे दिया। पत्र में लिखा था मुझे बड़ा गुस्सा है, प्रमीला साहू बिलासपुर, पत्र में लिखा उन्होंने हमें बहुत गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि हमने अपनी सहेली से कहा मैं 1200 रुपए खर्च कर एक तो यहां आई और 1200 रुपए खर्च कर पहुंची और इतना धक्का खाया। इतना धक्का खाने के बाद बाबा को जल चढ़ाया और जल चढ़ाने के बाद वो सियोर वाला महाराज ने कहा था, गुरुजी ने कहा था कि एक लोटे का थोड़ा सा जल अपने घर लेकर जाना और उसको अपने परिंडे के पास, अंडे के पास एक कटोरी में उसको चढ़ाना था, पर मेरा तो पूरा जल वहाँ चढ़ गया। अब मेरे को जल नहीं मिला, मेरा तो 1200 रुपये खर्च हो गए, इतना मेहनत करी, इतनी दूर से आई, इतनी तकलीफ भोगी और इतना इतना मेला ठेला में पहुंची, उसके बाद भी मुझे जल नहीं मिला। और वो गुस्सा होकर दोनों लोटे को वहीं पर पटक कर, गुरुजी मैं वहीं पर पटक कर और डंडा भी वहीं पटक कर और मैं स्टेशन चली गई। स्टेशन गई मेरी सहेलियों के साथ में अपनी गाड़ी में, ट्रेन में जिसका रिजर्वेशन करा के आई थी, बैठ गई। ट्रेन में जैसे ही चढ़े, चढ़ते से ही एक लड़का त्रिपुंड लगाया हुआ जिसके हाथ में एक झोला था, वो झोला देकर मेरे को कहता है बहन जी इसको पकड़ लो, मैं 2 मिनट अपने लड़के को ऊपर चढ़ा लूं फिर मैं ये झोला ले लेता हूं। वो झोला पकड़ा कर नीचे लड़के को लेने गया और वो आया ही नहीं और ट्रेन चल दी। अब वो झोले की चिंता, पहले से ही तो हम इतने परेशान, ऊपर से वो झोला दे गया। अब गुरु जी क्या कहें, हमने अपनी सच सहेलियों से कहा फालतू का 1200 रुपए लग गया और एक तो परेशान अलग हो गए और पानी भी नहीं मिला जो चढ़ा हुआ कटोरी में चढ़ाना था, उसी और वाला महाराज बोला था। अब झोला पकड़ा कर वो झोला लेकर गुरुजी हम बिलासपुर आ गए और बिलासपुर में हमारे बच्चे लोग झोले को कहा माँ ये किसका लिया है, तो मैंने कहा देख ले उसका एड्रेस या कोई आईडी प्रूफ होगा तो भेज देंगे। जब झोले को खोला तो गुरुजी उसमें जय महाकाल लिखा हुआ एक लाल कपड़ा था, उसमें 1200 रुपए बंधे हुए थे, एक लोटे में पानी रखा हुआ था, एक लोटे में पानी रखा हुआ था और लोटे के पास में पुष्टे पर, एक कागज पर पुष्टे पर एक लाइन लिखी हुई थी, तू अपने पिता से रूठ कर क्यों जा रही है, वापिस जल्दी आना। बस वो लोटा और वो 1200 रुपए प्राप्त।
गुरुजी किसको मालूम कि मैं मेरे बाबा से रूठ कर जा रही थी और मेरे बाबा ने जल भी दिया और वो 1200 रुपए में बार बार बखानी थी, इसलिए 1200 रुपए मेरे बाबा ने वापस भेज दिए। मैं उस पत्र में लिखा मैं इस 1200 रुपए का करूं क्या? तो प्रमीला दीदी मेरा निवेदन है उस 1200 को तुम्हारे पास रखो, मेरे बाबा के धाम कुबेर भंडारी के दरवाजे पर आते हो ना ये विचार कर कर आना कि हम हमारे पिता के घर जा रहे हैं और पिता कभी खाली नहीं छोड़ता। बाप पिता कभी